हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सब अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और अपने कैरियर पे पूरे फोकस होंगे। गाइज, आप सबको पता है कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपका कैरियर को बिल्ड कर सकती है, गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और आप लोगों को पता है गाइज, इसमें से कई सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जिसमें आप एलिजिबल हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, आपको राइट टाइम का वेट करना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए, अगर आप पहले से तैयार होके रहेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें जीतेंगे। सो गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन है, अगर आप देखेंगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। सीपीसीबी की रिक्रूटमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सीपीसीबी जो है वो स्टेचुएटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और गवर्नमेंट जॉब है। डेफिनेटली इसका जो फॉर्म है वो 6 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 मार्च 2023 रहने वाली है। इसमें बहुत सारी पोस्टें निकली हुई है, जिसमें से कुछ पोस्ट इंजीनियर्स के लिए भी है। तो उन वो पोस्ट कौन सी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे फर्स्ट पोस्ट अगर आप देखोगे, साइंटिस्ट बी की है, लेवल 10, मतलब कि जितना पीएसयू में सैलरी होता है सेम लेवल का सैलरी रेंज आपका रखा है। अगर लेवल 10 बोला है, 56,100 से लेके 1,77,500 आपका टोटल पे यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा जो जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज में जो अलाउंसेज होते हैं, वो सारे अलाउंसेज तो आपको मिलने ही वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब में अलाउंसेज होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, टोटल सारी मिला के एससी में 10 वैकेंसी है, एसटी में 5 वैकेंसी, ओबीसी में 15, ईडब्ल्यूएस में 5, यूआर में अगर जनरल में देखोगे 27, और टोटल मिला के 62 है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपर एज लिमिट इन्होंने 35 ईयर रखी है, मतलब जो एज है वो 35 ईयर है। पीएसयू में जनरली जो एज होता है वो ऑन एन एवरेज 28 के आसपास होता है। तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एज क्रॉस कर चुके होंगे, 28 से ऊपर जा चुके होंगे, उनको लगता है कि क्या सर मेरे लिए भी पीएसयू में कोई अपॉर्चुनिटी है। तो देखो, यहाँ पे ये जो बॉडी है ये भी गवर्नमेंट बॉडी है, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 35 ईयर एज है, तो डेफिनेटली आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें से फ्रेशर जिसमें एलिजिबल है, मैं वही पोस्ट आपको बता रहा हूँ। तो इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई है, आपको पता है। अब सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें गाइस, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कैटेगरी वाइज कितना रिलेक्शन मिलेगा, एज में कितना रिलेक्शन मिलेगा। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी के हो, साइंटिस्ट भी में अगर कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के जो बच्चे हैं, लो विजन है, वो भी इसमें अलाउड है कुछ पोस्ट में, आप देख सकते हो। लेकिन साइंटिस्ट वाली जो पोस्ट है वही इंजीनियर्स के लिए है, अगर आप देखोगे। अच्छा सर, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, तो यहां पे मैं आपको बता दूं। साइंटिस्ट बी के अंदर आप अगर आके देखोगे, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बेचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर से, इंस्टीट्यूट के अंदर से। और वो भी अगर आप देखोगे किसमें होनी चाहिए, सिविल में होगी, केमिकल में होगी, इन्वायरमेंटल में होगी। इसके अलावा इन सब चीजों में अगर आपकी होती है तो 34 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे, उसके लिए भी 4 वैकेंसी अवेलेबल है। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और अगर आपका प्रिफरेंशियल होता है मास्टर एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और अगर ये होता है नेट क्वालिफाइड, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो या तो आपने इन सब कोर्स में बीटेक कर रखी हो, या इन सब कोर्स में आप क्या कर सकते हो, इन सब कोर्सेज में आप क्या कर चुके हो, इन सब कोर्सेज में आप एमटेक करके उसके बाद ये एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके हो। तो दोनों ही चीज़ों में आप लोगों को एलिजिबिलिटी रहेगी। ये जो पोस्ट है डेफिनेटली इसी में आप लोग एलिजिबल होंगे मैक्सिमम। बाकी जो है वो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट की, अगर आप यहाँ पे देखोगे, लॉ के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें से जितनी वैकेंसी है वो लॉ इन सब के लिए ही है। अगर आप जनरली देखोगे, किसी ने अगर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में किसी को जाना है, तो इसमें मास्टर डिग्री इन साइंस होगी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, वहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। टेक्निकल सुपरवाइजर अगर आप देखोगे, तो इसमें भी आपकी 3 वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन इसमें 3 ईयर का मांगा है। तो ये सब आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं देती है, लेकिन हाँ, वो आपको एलिजिबिलिटी देती है। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो जूनियर टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज आप सबका देख सकते हो, इवन यहाँ पे 12th का भी निकला हुआ है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, उसकी भी वैकेंसी निकली हुई है। तो इन सारे के सारे नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वाला, तो वो मैंने आपको बता दिया है।
सर फॉर्म फिल कैसे करना है? फॉर्म फिल करने के लिए आपको सीपीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसमें जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे गाइस, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ कि जो फीस रहने वाली है वो आपकी कितनी 750 रुपीज़ लगने वाली है, और उसमें 250 रुपीज़ आपके टेस्ट सेशन के लगने वाले हैं। तो टोटल जैसे अगर 750 यहाँ हो गए, 250 टेस्ट के सेशन के, तो 1000 रुपीज़ टोटल आपका फॉर्म का फीस लगेगा। जो 1 आवर का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 500 रुपये फीस लगेगा। तो यहाँ पर आपका फीस इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे जो एग्जामिनेशन फीस है वो आप पे कर दोगे, तो उसके बाद आपका ये सारा का सारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मेंशन हो जाएगा, जैसे अगर आप साइंटिस्ट भी के लिए अप्लाई करोगे तो वो कितने आवर्स का एग्जाम है वो वहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी मेंशन कर रखी है जो आप लोग इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, आप कई बच्चों को लगेगा सर इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इन्होंने बोला है कि रिटन टेस्ट लेने वाले हैं, स्किल्स टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू। देखो स्किल टेस्ट उनका होता है जो डिप्लोमा वाले हो गए, ट्रेड टेस्ट उनका होता है, तो मेनली जो साइंटिस्ट बी के लिए जा रहे होंगे उनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। और इसका सर सिलेबस क्या रहेगा, देखो कोर जॉब है, अगर ब्रांचेज मेंशन कर रखी है तो डेफिनेटली जो सिलेबस रहेगा वो आपके टेक्निकल का सिलेबस ही रहने वाला है। जैसे सिविल हो गया तो सिविल का सिलेबस होगा, केमिकल है तो केमिकल का सिलेबस होगा, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होगा। तो जो भी ब्रांच में आप एलिजिबल हो उस हिसाब से उसी के डिज़ाइन में आपका सिलेबस जो है वो डिज़ाइन होने वाला है। आप सीपीसीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई इस नोटिफिकेशन में डाउट है जो मैंने कवर नहीं करे हैं, देखो मुझे नहीं आइडिया होता है कि आप कहाँ जाके अटकेंगे, तो जो अगर आप कहीं पर अटकते हैं इस फॉर्म को फिल करते वक्त, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी कमेंट का रेस्पॉन्ड करूंगा। और बाकी देखो और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको देखते रहिए, जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई करते रहिए, डेफिनेटली आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आती है और उनको मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसीलिए बच्चे मुझे एक यूनिक नाम से भी जानते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी मेरे को उस नाम से जानते हैं वो कमेंट में डाल भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।